इंसाफ की राह पे चलते हुए देवी अहिल्या से हो रही है बड़ी चूक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वैसे तो देवी अहिल्या कभी कोई गलती करती नहीं है, मगर है तो वो इंसान ही। कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिनको हमें खुद भी पता नहीं होता है कि ये गलत जगह पे जा रही है। हम तो चीजों को ठीक करना चाहते हैं, मगर चीजें उस तरफ नहीं जाती हैं जिस तरफ जानी चाहिए, यानी कि ठीक नहीं हो रही होती हैं। वहीं पे हमें सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हमें अपना तरीका बदलना चाहिए या फिर कुछ और ऐसा करना चाहिए जिससे कि चीजें सही डायरेक्शन में हों। जी हाँ, सही समझे आप, मैं माले राव और देवी अहिल्या की ही बात कर रही हूं। उस सीन की बात कर रही हूं जिस सीन में देवी अहिल्या ने माले राव को अंक दिलवाए। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, देवी अहिल्या अपने पुत्र को जानती है, वो बदतमीज हो गया है, राजा वाले कोई गुण नहीं है उसमें और बहुत सारी चीजें, और खुद भी वो इतनी ज्यादा प्रजा की सेवा में रहती है कि उन्हें समय नहीं मिलता है अपने पुत्र और पुत्री के साथ समय बिताने का। ये बात माले राव को बचपन से ही खाई जा रही है। यहां पे मैं माले राव के हक में कोई बात नहीं करने वाली हूं दोस्तों, मैं सिर्फ ये बात करने वाली हूं कि ऐसी सिचुएशन में जो देवी अहिल्या और माले राव के बीच में है, वहां पे कैसे चूक हो सकती है और हो रही है। तो देवी अहिल्या माले राव को यह बताना चाहती है कि तुम अभी राजा बनने के लायक नहीं हो, क्योंकि माले राव के दिमाग में यह बात भरी हुई है कि मैं राजकुमार हूं और मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसलिए देवी अहिल्या माले राव को सबके सामने बारी बारी लेके जाती है और माले राव को अंक दिलवाती है। तो तीन से ज्यादा अंक मिलते नहीं है। किसान जिसका घर अभी अभी जलाया है वो तो शून्य ही देते हैं, बिल्कुल जायज है, बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि उनके लिए माले राव यही है। कोई राजा अपनी प्रजा का घर कैसे जलाएगा, खास करके देवी अहिल्या का बेटा। तो देवी अहिल्या ये सब करती है, मगर यहां पे मेरा सवाल ये है दोस्तों कि देवी अहिल्या शुरू से ही जानती है कि माले राव अपनी ही आई को पसंद नहीं करते हैं, हमेशा सवाल उठाते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि मेरी आई मुझे प्यार नहीं करती है और कभी भी अपनी आई की बातें सुनते ही नहीं है। तो यहां पे जब देवी अहिल्या उनको हर जगह पे लेके उनको अंक दिलवा रही हैं, वहां पे क्या माले राव वो बात समझेगी जो देवी अहिल्या समझाना चाहती है? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि ये बात देवी अहिल्या को पता होनी चाहिए कि अभी मेरा पुत्र मेरी बात को समझने की जो है पोजीशन में ही नहीं है। मैं जो भी समझाऊंगी उसका उल्टा अर्थ यही निकलेगा कि मेरी आई मुझसे नफरत करती है, मेरी आई मुझे पब्लिकली बेइज्जत करती है। देवी अहिल्या की जो इच्छा है, जो निष्ठा है, वो बिल्कुल क्लियर और सच्ची है कि मैं अपने पुत्र को सुधारना चाहती हूं, मगर उन्हें ये पता रखना चाहिए कि मेरे पुत्र को बिगाड़ने में किसका हाथ है। आखिर ये सोच आ कहां से रही है तो बच्चा ही, तो ये बच्चा किस कंपनी में जा रहा है, किसकी बातें सुन रहा है? मेरी तो सुन नहीं रहा, मल्हार सरकार की बातों के ऊपर तो देख ही नहीं रहा वो। मल्हार सरकार की बातें सुनता जरूर है, मगर मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनता है। तो कौन बिगाड़ रहा है मेरे माले राव को? हरकूबाई साहिब की यहां पे शांति भी जो है खलती है दोस्तों। क्या हरकूबाई साहिब ने भी ध्यान नहीं रखा है कि माले राव का स्वभाव दिन ब दिन इतना बदतर क्यों होता जा रहा है? तो चूक यही है दोस्तों कि पहले बीमारी को डायग्नोस करो कि बच्चा ऐसा होता क्यों जा रहा है, क्यों वो बार बार अपनी आई की बातों को नहीं मानता है। क्योंकि जब माले राव कहता है कि क्या मैं इतना ही बुरा हूं, तो मन दुखता है दोस्तों। यहां पे मैं एक बच्चे की पोजीशन की बात कर रही हूं, जो कि देवी अहिल्या का भी बहुत मन दुखा कि उनका बेटा ये बात सबके सामने कर रहा है और उन्होंने खुद अपने बेटे के बारे में कहा है कि इसका स्वभाव ठीक नहीं है।
मुश्किल होता है किसी भी आई के लिए ये बातें कहना, और इस बात की गुंजाइश सोचे बिना कि ये आगे ठीक भी होगा, उस पर संशय करना कि ये ठीक नहीं होगा या नहीं हो सकता या होगा भी कि नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है देवी अहिल्या की कि इस बात पे कि मेरा बेटा आगे जाके सही होगा, मैं किसी और की बेटी का जीवन दांव पे क्यों लगाऊं। यहां तक चीजें समझ में आती हैं, बिल्कुल क्लियर है, मगर मुझे सिर्फ एक ही चीज को लेके लग रहा है कि जो चूक हो रही है देवी अहिल्या की तरफ से वो यही है कि माले राव की मूल बीमारी का पता करे कि वो क्यों ऐसा हो रहा है, और अगर वो ऐसा हो रहा है तो या तो मल्हार सरकार, जिनकी बात वो सुनता है थोड़ी बहुत, वो माले राव को समझाए, क्योंकि उनके लिए माले राव के मन में बिल्कुल नहीं है कि मेरे बाबा मेरे दादा जो हैं मुझसे नफरत करते हैं। अगर उनके मन में नफरत है तो सिर्फ अपनी आई के लिए, और जिस इंसान से कोई नफरत करता हो उसकी बातों को वो कभी भी सीरियसली नहीं लेता है। तो प्यार दिल में होना बड़ा जरूरी है दोस्तों। जब तक माले राव के मन में देवी अहिल्या के लिए प्यार आदर नहीं होगा, तब तक देवी अहिल्या ने कितना भी जोर लगा लिया हो, माले राव तक उनकी आवाज नहीं पहुंचेगी, बल्कि उसका उल्टा ही असर होगा, और ये बात ही देवी अहिल्या की तरफ चूक का इशारा करती है, जो बिल्कुल इंटेंशनली नहीं है। एक इंसान है, एक आई है, जो अपने बेटे को किसी भी तरीके से सुधारना चाहती है, मगर यहाँ पे करेक्शन सिर्फ एक है कि पहले उसकी मूल बीमारी का पता करे कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तब तो ऐसा नहीं होता है। कैसे वो ग्रो होता है, किस कंपनी में बैठता है, किन लोगों से वो सलाह मशवरा लेता है, कौन लोग उसको ज्यादा धमकाते हैं, कौन लोग उसको ज्यादा भड़काते हैं, ये सब बातें उस बच्चे की आई बाबा को ही देखनी पड़ती हैं। तो ये बात उनको देखनी चाहिए, मेरा यही कहना है इस वीडियो में। और इस तरह अगर वो माले राव का इलाज या माले राव को सुधारना चाहती हैं, तो ऐसे माले राव ना पहले सुधरे थे, जैसा कि हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि माले राव का स्वभाव ठीक नहीं हुआ था, माले राव दिन ब दिन बिगड़ते ही गए थे, और उसका मूल कारण यही है कि हर बार उनको समझाया ही गया है, उनको समझने की जरूरत है, उनकी बीमारी को डायग्नोज करने की जरूरत है। आज का कोई स्क्रिप्टेड सीरियल होता, कहानी कोई नई होती, आज के हिसाब से बनाई हुई होती, क्रिएटिव कहानी होती, तो उसमें हम फेर बदल कर सकते थे, मगर ये इतिहास है, इसको बदला नहीं जा सकता है। मगर इस सीरियल के जरिए हम ये जरूर समझ सकते हैं कि अगर जो दिखाया गया है माले राव और देवी अहिल्या के रिश्ते के बीच में, ये जो गैप है जो दिखाया गया है, तो अभी के सिनेरियो के हिसाब से देवी अहिल्या को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए कि माले राव के बिगड़ते स्वभाव का मूल कारण क्या है, और मुझे ये दूरी कैसे कम करनी है। अगर मेरी बातों से माले राव को समझ में नहीं आता है, तो कोई ऐसा तरकीब, कोई ऐसा नुस्खा हमें लेना पड़ेगा जिससे माले राव को बातें समझ में आए, चाहे वो किसी की भी तरीके से समझ में आए। तो मेरा यही कहना है दोस्तों इस वीडियो में, आप क्या कहते हो कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।